उसकी गाथा आज भी निकट हल्दी घाटी नामक स्थान पर अकबर की विशाल सेना ने मैदानी भाग में अपना मोर्चा जमा दिया है, जिसमें हाथ थोड़े एवं हल्की तोपें शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप ने आसपास की पहाड़ियों में अपने लड़ाके भील बराजपूती एवं अन्य जाति के योद्धाओं के साथ मोर्चा संभाला। एक अनुमान के अनुसार अकबर की सेना के मुकाबले महाराणा प्रताप की सेना एक तिहाई भी नहीं थी, किंतु महाराणा प्रताप के साहस व दृढ़ निश्चय में कोई कमी नहीं थी। घमासान युद्ध घोड़ों की टापों और हाथियों के पैरों की धमक से धरती खुल गई। तलवारों की खनक और सैनिकों की ललकार से दसों दिशाएं गूंज रही। महाराणा प्रताप के सैनिक जयकारे लगाते हुए बिजली की तरह मुगल सैनिकों पर टूटे पड़े। उनका साथ दे रहे थे वीर योद्धा जो पहाड़ी के ऊपर से मुगल सैनिकों पर तीर चला रहे। मुगल सैनिक गाजर नदी की तरह कट और धीरे धीरे मुगल सेना पीछे। महाराणा प्रताप ने फैसला किया कि सीधे राजा मान सिंह पर ही हमला किया जाए, क्योंकि उनके मारे जाने अथवा घायल हो जाने से मुगल सेना में भगदड़ मच जाती और युद्ध समाप्त हो जाता है। उन्होंने अपने यशस्वी घोड़े चेतक को रेड़ लगा और वो राजा मान सिंह के हाथी के हौदे तक पहुंचा। मान सिंह डरकर हौदे में दबक गया। प्रताप ने उसे चुनौती देते हुए कहा, आओ युद्ध करो, किंतु मान सिंह डरकर छुपा रहा। इसी बीच महाराणा के भाले का वार महावत को लगा और उसका काम तमाम हो गया, किंतु दुर्भाग्यवश हाथी से नीचे उतरते समय हाथी की सूंड से महाराणा के चेतक की टांग चेतक को लगा के महाराणा प्रताप